नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। पेट में गैस बनने की समस्या काफी आम है और खान पान में गड़बड़ी या खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये समस्या अक्सर लोगों में होती है। पेट में गैस बनने के अलावा शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी गैस बन सकती है। कई बार लोगों को ये भी महसूस होता है कि पेट के अलावा शरीर के कई अन्य हिस्से में भी गैस जैसा कुछ बन गया है। इसी तरह की एक समस्या है नसों में गैस बनना। नसों में गैस बनने को मेडिकल टर्म में एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। ये समस्या बहुत खतरनाक होती है। नसों में गैस बनने की वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है और इसकी वजह से ब्लॉकेज की समस्या भी हो सकती है। आइए बताते हैं कि नसों में गैस क्यों बनती है। नसों में गैस बनना या फिर एयर एम्बोलिज्म नस या धमनियों में एक साथ बहुत ज्यादा हवा के जाने से होता है। हवा के ये बुलबुले नसों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकते हैं। नसों या धमनियों में हवा के बुलबुलों के जाने से आपको कई गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। इसकी वजह से आपके मस्तिष्क धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होना, हार्ट स्ट्रोक और फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। नसों में गैस बनने के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं नसों में गैस बनने के कारणों के बारे में। नसों में गैस की समस्या इंजेक्शन के माध्यम से हवा के बुलबुले जाने की वजह से हो सकती है। फेफड़ों में स्ट्रोक की समस्या के कारण एयर एम्बोलिज्म की समस्या। स्कूबा डाइविंग की वजह से एयर एम्बोलिज्म होता है। मुंह से बहुत ज्यादा हवा भीतर लेना, ऐसा करने पर भी नसों में गैस बन सकती है। खराब डाइट की वजह से नसों में गैस बनना, कुछ बीमारियों की वजह से भी नसों में गैस बन सकती है। चलिए बात करते हैं लक्षणों की। सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर से जुड़ी परेशानियां, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होना, सीने में गंभीर दर्द, भ्रम या चेतना की कमी, स्किन का रंग नीला होना। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।